हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऑलरेडी अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये ब्यूटीफुल सा वैलेंटाइंस डे मेकअप लुक। इसके अंदर मैंने बहुत ही न्यूट्रल आईज रखे हैं विद बोल्ड रेड लिपस्टिक। आप इस लुक को इजीली कैरी कर सकते हैं डे में, नाइट में, इवन आपकी शादी हो चुकी है, नहीं हुई है तो भी आप इस लुक को कैरी कर सकते हैं। दिस इज माई वर्जन ऑफ वैलेंटाइंस डे मेकअप लुक। मैं इसी तरीके का वियरेबल मेकअप ही पसंद करती हूँ, ज़्यादा लाउड नहीं रखती और सिंपल में ही आप लगो कि आपने मेकअप किया है, तो इस तरीके का मेकअप मुझे बहुत पसंद आता है। अगर आप लोगों को भी इस तरीके का मेकअप पसंद है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जो भी प्रोडक्ट लिंक्स होंगे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आप कुछ भी परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर लीजिएगा। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। बाकी बिना किसी देरी के आइए मेकअप को स्टार्ट करते हैं। स्किन केयर की 2 से 3 लेयर करने के बाद अब मैं यहाँ पे प्राइमर लगा रही हूँ। लेकिन आज एक हैक आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि प्राइमर की जगह पे मैं अपना वैसलीन यूज़ कर रही हूँ। विंटर में मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाती है, सेंसिटिव स्किन है, तो इसलिए मैं यहाँ पे एज अ वैसलीन लगा रही हूँ थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में अपने टी जोन एरिया पे, जिससे कि मुझे स्मूथ बेस मिल जाए और मेरी स्किन भी हार्म ना हो। बहुत अच्छा मुझे स्मूथ बेस मिल चुका है अपने मेकअप के लिए, तो ये काफ़ी अच्छा हैक है, आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। अब बारी आती है हमारे फाउंडेशन की, तो फाउंडेशन के लिए मैंने यहाँ पे लिक्विड फाउंडेशन लिया है। इसके अंदर मैं मिक्स कर रही हूँ यहाँ पे अपना लिक्विड हाइलाइटर, क्योंकि ये वैलेंटाइंस डे मेकअप लुक है तो मुझे थोड़ा सा इसको डूई और ग्लोई बनाना था। अब मैंने इसको दोनों को अच्छे से मिक्स करके अपने मेकअप पाम पे लगा रही हूँ। काफ़ी अच्छा ये स्मूथ सा एक टेक्स्चर मुझे मिल गया था। आप चाहो तो अपनी फिंगर से भी ब्लेंड कर सकते हो, लेकिन थोड़ा पैची हो सकता है, इसलिए डैम ब्यूटी ब्लेंडर ज़रूर यूज़ करें। अब मैं इसको अपने पूरे फेस पे और अपने आईज़ के अराउंड नेक पे पूरा लगा रही हूँ, और उसको फिर एंड में डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको ब्लेंड करूँगी। अगर अभी तक आपने ये वाला हैक यूज़ नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर करके देखें, काफ़ी अच्छा हैक है। फाउंडेशन और लिक्विड हाइलाइटर को मिक्स करके आप अपने फेस पे इस तरीके से लगाएंगे ना, तो काफ़ी अच्छा आपको एक बेस मिल जाता है, जैसे कि आप मेरे स्किन पे देख रहे हैं, तो कैमरा पे देख रहे हैं। अगर आप रियलिटी में देखते हैं तो ये काफ़ी बेटर लगता है, तो ये बहुत अच्छा हैक है, आप इसको ज़रूर यूज़ करें। अब बारी आती है हमारे कंसीलर की, तो मेरे अंडर आइज पे थोड़े से डार्क सर्कल्स मुझे लग रहे थे, इसको कवर करने के लिए मैंने यहाँ पे एक लाइट शेड में कंसीलर यूज़ किया है। इसको मैं अपने माउथ के राउंड पे थोड़ा बहुत लगाऊंगी और थोड़ा सा फोरहेड पे। अब इसको सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से हम इसको ब्लेंड करते हुए चलेंगे। हमारा फाउंडेशन और कंसीलर क्रीज ना कर जाए, इसलिए हम एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से कॉम्पैक्ट लगाएंगे अपने पूरे फेस पे अच्छे से, जिससे कि उसमें कोई भी क्रीजेस ना आए और वो सेट हो जाए। मूव करते हैं हमारे आई मेकअप की तरफ, तो यहाँ पे मैं आज न्यू पैलेट यूज़ कर रही हूँ, SFR का ब्राउन चॉकलेट। इस तरीके का ये 9 आई शेडो पैलेट है, जिसके अंदर आपको 5 मैट और 4 शिमरी शेड्स मिल जाते हैं विद मिरर। एक स्मॉल फ्लफी ब्रश हम लेंगे और साथ ही ये ब्राउन शेड लेंगे, काफ़ी सुंदर सा शेड है, इसको हम अपने क्रीज एरिया में लगाएंगे कुछ इस तरीके से, अपने ट्रांजिशन शेड हम इसको बनाएंगे। काफ़ी अच्छी लगी मुझे ये पैलेट और ट्रैवल फ्रेंडली है, आपके बजट में भी आ जाती है। अंडर 250 के करीब मुझे ये पड़ी थी, अमेजन से मैंने परचेज किया था, लिंक मैं दे दूंगी। और इसकी पिगमेंटेशन उतनी हाई नहीं है, लेकिन हाँ जितनी आप देख रहे हैं उतनी एकदम एग्जैक्ट। और ये अब हम सेकंड ब्राउन शेड पिक करेंगे और अपने आउटर कॉर्नर्स पे इस तरीके से रोटेशन फॉर्म में हम इसको लगाएंगे, जिससे कि ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाए। अब ये लाइट शेड मैं पिक कर रही हूँ अपनी फिंगर में और इसको अपने इनर थर्ड पे अपने लगाऊंगी कुछ इस तरीके से। अब क्योंकि हमें बाद में एक शिमरी शेड लगाना है, तो ये पॉप अप करके निकल के आया शिमरी शेड, तो जो शिमरी शेड है उसको मैंने यहाँ से अपने आई शेडो पैलेट स्किप करके मैंने अपनी हाइलाइटर पैलेट से लिया है। काफ़ी अच्छा शेड है, आप चाहें तो ये शैम्पेन शेड भी लगा सकते हैं, नहीं तो कॉपर ब्राउन, जो भी आपके ड्रेस से मैच हो या आपका जो मन करे इस तरीके से लगाना है। अब हम इनर कॉर्नर भी अपने सेम फिंगर से इसी तरीके से हाईलाइट कर लेंगे। इस लुक के लिए हमें थोड़ा अपने इनर कॉर्नर पर ज़्यादा काम करना है, काफ़ी सुंदर आप देखेंगे एंड में निकल के आएगा रिजल्ट्स। फिंगर्स से हेल्प से ब्लेंड करें, काफ़ी अच्छा ब्लेंड होता है। अब फिर से हम सेम ब्राउन शेड लेंगे और अपने क्रीज एरिया पे लगाएंगे, जिससे कि जो भी क्रीजेस बने थे वो सब ब्लेंड हो जाए बहुत अच्छे से। अब सेम पैलेट से मैं डार्केस्ट ब्राउन शेड पिक करूंगी ब्रश में और अपने आउटर कॉर्नर्स पे इस तरीके से रोटेशन फॉर्म में लगाऊंगी, जिससे कि एक स्मोकी इफेक्ट मुझे मिल जाए। अपनी अंडर आइज़ को हाईलाइट करने के लिए मैं यहाँ पे एले प्रो गर्ल कंसीलर ले रही हूँ, मेरा शेड क्रीमी बेज है, और इसको सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं ब्लेंड करूँगी।
अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ट्रांसलूसेंट पाउडर अपने अंडर आइज़ को बेकिंग करने के लिए, और थोड़ा बहुत अपने जॉ लाइन पे भी लगाऊंगी। अब मैं यहाँ पे लाइट ब्राउन शेड पिक कर रही हूँ अपने कंटोरिंग के लिए, थोड़ा बहुत अपने चीक्स पे करूँगी, नोज पे और जॉ लाइन पे। अब ब्लशर के लिए मैंने यहाँ पे दो शेड पिक करे हैं, ऑरेंज और पिंक, दोनों को मिक्स करते हुए अपने एप्पल ऑफ चिक्स पे मैं इस तरीके से अपवर डायरेक्शन में लगा रही हूँ, और अपने नोज पे थोड़ा बहुत और चिन पे। फेस पे जितना भी लूज पाउडर था उस सबको रिमूव करते हैं फ्लफी ब्रश से। अब मूव करते हैं हमारे आईब्रोज की तरफ। तो आईब्रोज के लिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे एक डार्केस्ट ब्राउन पेंसिल लिए है, इसको मैं अपने इस तरीके से लगा रही हूँ। बाद में आप चाहे तो फिंगर से या फिर अपने ब्रश से ब्लेंड कर सकते हैं, बट मुझे फिंगर से ही ब्लेंड करना पसंद है। अब मैं यहाँ पे एक स्मॉल विंग क्रिएट कर रही हूँ लिक्विड लाइनर से, छोटे छोटे स्ट्रोक्स में इस तरीके से लगाए तो कभी गलत नहीं होगा। फाइनली मेरा लाइनर लग चुका है, काफ़ी सुंदर लगा है। अब मैं यहाँ पे लाइटेस्ट ब्राउन शेड पिक कर रही हूँ जो हमने क्रीज एरिया पे लगाया था, इसको सेम हम फ्लफी ब्रश की हेल्प से अपने लोअर लैश लाइन पे लग अपनी आईलैश को कर्ल कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि आपको एक बहुत अच्छा नेचुरल लिफ्ट मिल जाता है, और जब आप मस्कारा लगाते हो तो काफ़ी अच्छा निकल के आता है। तो 2 से 3 कोट मैं अपने मेवलिन मस्कारा के लगाऊंगी। अपनी लोअर लैश लाइन पे भी 2 से 3 कोट लगाएं, काफ़ी अच्छी निकल के आती है। अब बारी आती है हमारे फेस को हाईलाइट करने के लिए। तो यहाँ पे ब्रश की हेल्प से मैं अपने ब्रिज ऑफ नोज को हाईलाइट कर रही हूँ। चिक बोन्स पे लगाना है हाईलाइटर को, अपने क्यूपिड एरिया पे, चिन पे और थोड़ा बहुत अपने फोरहेड पे। इतनी मेहनत से जो मेकअप किया उसको सेट कर लेते हैं। सेटिंग स्प्रे हम लगाएंगे, उसके बाद डैम ब्यूटी ब्लेंडर से हम इसको पूरे को डैप डैप करेंगे जिससे कि वो अच्छे से लॉक हो जाए। वैलेंटाइंस डे मेकअप है और रेड लिपस्टिक ना हो तो ऐसे कैसे हो सकता है। लिप शेड के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन की ये बोल्ड मैट लिपस्टिक, काफ़ी सुंदर ये शेड है रूबी ग्लो, अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाती है। काफ़ी सुंदर शेड है ये, आप इसको अपनी वैनिटी में ज़रूर ऐड कर सकते हैं। ये नॉन ट्रांसफ़र भी है। यहाँ पर सब कुछ हो गया है, अब मैं मिलती हूँ चेंज करके। ऑल राइट फ्रेंड्स, दिस इज़ माई वर्जन ऑफ वैलेंटाइंस डे मेकअप लुक। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर आप ये लोग रिक्रिएट करते हैं तो मुझे इंस्टा पे ज़रूर मुझे टैग करें, मेरा इंस्टा हैंडल है चेंज एक्सप्रेस। बाकी किस तरीके की वीडियोज आप देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।